हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का टॉपिक है ऑटो कैड और आज हम इसी ऑटो कैड के बारे में जानेंगे। गाइस, ऑटो कैड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जो डिज़ाइनर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस को, ड्राइंग्स को, मॉडल्स को तैयार कर सकते हैं, वो भी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कैड है वो स्टैंड करता है कंप्यूटर एरे डिज़ाइन के साथ में। और ये जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है इसको ऑटोडेस्क कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, इसके अंदर में काफ़ी सारे शानदार और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स मिल जाती हैं जहाँ पे डिज़ाइनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है उन फीचर्स से कि वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सके। गाइज, वैसे तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 फीचर्स को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इम्प्रूव वर्क फ्लो। गाइज, आप सभी को इम्प्रूव वर्क फ्लो, बेसिकली वर्क फ्लो का मतलब पता ही होगा, मतलब किसी काम को स्टार्ट करके उसको अंजाम दे देना बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे इसको वो इम्प्रूव कर देता है। वो कैसे? तो गाइज, इस फीचर में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो कि एक डिज़ाइनर है, उसने पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने अपने एक घर को डिज़ाइन करना था, उस घर को उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, वो एक पहला प्रोजेक्ट था, वो अब जा चुका है और अब वो सेकेंड वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और अब क्या होता है गाइज कि उसको सेकेंड वाले प्रोजेक्ट पर एक ऐसे वॉल की ज़रूरत पड़ती है जो कि वॉल को उसने प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में किया हुआ है, उस वॉल को बनाया हुआ है, उस वॉल के जो शेप एंड साइज थे वो उसको याद रहता है कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में काम किया है। तो अब वो क्या करेगा ना कि यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करेगा एक एक्स्ट्रा वॉल के उसी शेप एंड साइज में, बल्कि सिंपल जा करके हिस्ट्री में प्रीवियस काम जो उन्होंने किया है वहाँ से उस वॉल को उठा करके यहाँ पे ले आएगा इस वाले प्रोजेक्ट में, नए वाले प्रोजेक्ट में। और ऐसे में दोस्तों काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, उसको एक नई वॉल उस शेप एंड साइज की बनानी नहीं पड़ी, बहुत ही आराम से उसको वो वॉल मिल चुकी है और वो अब आगे डिज़ाइन को कम्प्लीट करके अंजाम दे सकता है बहुत ही आसानी से। गाइज, इसके आगे जो एक और पॉइंट आता है ना वो है इक्वल पार्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस। यहाँ पे गाइज होता क्या है ना कि मान लो कि एक डिज़ाइनर ने एक डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया, एक घर को उन्होंने बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, अब क्या हुआ कि इस पूरे डिज़ाइन को एनालाइज करेगी ये सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। एनालाइज करने के बाद ये बता सकती है कि गाइज कि इसके कौन से वॉल, कौन से रूफ में स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है, ये सब कुछ ये बता सकती है एनालाइज करके। और गाइज, इसे एनालाइज करने वाले फीचर को अगर हम एक डिज़ाइनर्स के लैंग्वेज में कहें तो वो कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फिनाइट एलिमेंट इन डिज़ाइन। तो गाइज, अब तक हमने समझा कि ऑटो कैड सॉफ्टवेयर से हम कितने आराम से 2D और 3D डायमेंशनल के डिज़ाइंस बना सकते हैं प्रोफेशनली, और हमने उसके काफ़ी सारे फीचर्स को भी जाना जो कि बहुत ही शानदार थे। और अब जो दोस्तों आपको सामने लिस्ट नज़र आ रहे होंगे, ये जो लिस्ट में जितने भी सारे डिज़ाइंस हैं, इंटीरियर डिज़ाइंस होंगे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस होंगे, ग्रीटिंग्स होंगी, मैप्स होंगी और सारे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, वो सारे डिज़ाइंस को हम क्रिएट कर सकते हैं इसी ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के अंदर में। बिल्कुल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये किसी भी तरह के डिज़ाइंस करने के लिए। तो यार, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।